सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्योरी के मिथ बस्टर्स को कंफर्म एंड बस्ट करने वाले हैं। तो चलो, एंड गाइस सर, मिथ एकदम नया नया है तो काफी मजा आएगा वीडियो में। तो चलो वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस यार, सबसे पहले मिथ यहाँ पे आ चुका है। एंड इस मिथ में बोला जा रहा है कि इफ यू पुट 100 वर्म्स इन द स्विमिंग पूल एंड पुट द हेलीकॉप्टर विल टर्न इनटू रॉकेट। तो चलो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि 100 वर्म्स को यहाँ पे फेंक देना है स्विमिंग पूल में, एंड उसके बाद हेलीकॉप्टर को स्पॉन करना है स्विमिंग पूल में, एंड उसके बाद बॉम्ब को ब्लास्ट कर देना है, एंड उसके बाद हेलीकॉप्टर रॉकेट में टर्न हो जाएगा। तो चलो देखते हैं ये होता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम जल्दी जल्दी यहाँ पे फेंक देते हैं 100 वर्म्स, लगभग 4, 5, 6, 7, 8, 10, चलो हो गया 10 हो गया, सब तरफ यहाँ पे फेंक देते हैं ना। चलो 15, 16, 17, 18। तो गाइस सारे बम को फेंकने में बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम फेंक देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं डायरेक्ट आप लोग को। तो चलो गाइस यार, यहाँ पे हम लगभग 100 बम को फेंक चुके हैं, एंड चलो अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर को स्पॉन करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट बम सबको फोड़ देंगे। तो हेलीकॉप्टर को यहाँ पे जल्दी से स्पॉन कर लेते हैं। चलो, अरे यार हेलीकॉप्टर की जगह कहाँ आ गया। ओ सो गाइस यार, यहाँ पे लगभग 100 बम तो फेंक चुके हैं, तो चलो अब यहाँ पे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर ला लेते हैं, एंड यहाँ पे हेलीकॉप्टर ला के डायरेक्ट यहाँ पे उड़ा देंगे। तो चलो यहाँ पे हेलीकॉप्टर तो आ गया, एंड अब देखते हैं यहाँ पे बम को फोड़ के कि यहाँ पे हटता है या नहीं, उड़ता है या नहीं, रॉकेट बनता है या नहीं ये हेलीकॉप्टर सब। ये हेलीकॉप्टर को स्पॉन ही करते ये लोग उड़ जाता है हेलीकॉप्टर सब। तो चलो अभी वाला हेलीकॉप्टर सही से स्पॉन हो गया है, तो यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देते हैं बम को। ओ भाई, यहाँ पे बम तो उड़ा, पर ये रॉकेट नहीं बना, इसके लिए ये मिथ बस्टेड है। तो चलो गाइस अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट मिथ को। एंड इसमें बोला जा रहा है कि स्प्लेंडर का कलर हमेशा ब्लू में ही होता है। चलो यहाँ पे स्पॉन करके भी देख लेते हैं, सुपर स्प्लेंडर 6021। तो चलो यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर का कलर यहाँ पे ब्लू ही है, जैसा कि यहाँ पे ब्लू आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर आ चुका है, तो इसका हम सामने जाते हैं एंड यहाँ पे गैलरी खोल के देखते हैं। एंड गाइस यहाँ पे गाड़ी का कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका कलर ब्लू ही रहेगा चाहे हम जितना बार भी मंगा लें। तो एक बार फिर से हम मंगा के दिखा देते हैं 6021। तो चलो सो गाइस, इसका मतलब इसका कलर ब्लू ही रहेगा, सुपर स्प्लेंडर का कलर। तो इसका कलर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये मिथ कंफर्म है। तो चलो अब ट्राई करते हैं थर्ड नंबर का मिथ। एंड गाइस अब आता है यहाँ पे थर्ड नंबर का मिथ, एंड ये मिथ है अगर ज़ॉम्बी एनपीसी या पुलिस वाले को काटेगा तो देखो मैजिक। तो यहाँ पे कोई भी पुलिस वुलिस तो दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे पहले पुलिस वुलिस को ले लाते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ज़ॉम्बी पुलिस को काटता है या नहीं। वैसे ये क्या है, अरे भाई ये हेलीकॉप्टर उधर से यहाँ कहाँ चल गया। ओह चलो, वैसे एनपीसी ही तो नहीं दिख रहा है, वैसे कोई आदमी उदमी ही तो नहीं दिख रहा है, एंड यहाँ पे आदमी है ना। चलो इसको उड़ा के हम डायरेक्ट पुलिस को बुला लेते हैं। चलो एक स्टार, दो स्टार बढ़ गया। एंड गाइस अब यहाँ पे पुलिस आएगा, एंड उसके बाद हम यहाँ पे स्पॉन कर देंगे ज़ॉम्बी को। तो गाइस यहाँ पे एनपीसी सबको हम यहाँ पे उड़ा दे रहे हैं, एंड यहाँ पे 3 स्टार बढ़ चुका है, और यहाँ पे पुलिस का कार सब भी आ गया है ना। तो चलो हम यहाँ पे अब ज़ॉम्बी को स्पॉन करते हैं चीट कोड डाल के 2030। चलो यहाँ पे चीट कोड डाल दिए, एंड गाइस यार अब यहाँ पे ज़ॉम्बी सब आएगा, एंड देखते हैं यहाँ पे ज़ॉम्बी सब पुलिस सबको यहाँ पे अटैक करता है या नहीं। वो भाई यहाँ पे आ रहा है, ज़ॉम्बी तो आ गया, एंड हम यहाँ पे पुलिस लोग के सामने ही चल जाते हैं। अरे भाई हमको कहे देख रहा है थोड़ा। वो भाई पुलिस लोग को भी तो नजर डालो, ये तो हमी को देख रहा है ज़ॉम्बी सब। अरे भाई पुलिस वुलिस को भी तो मारो थोड़ा। अरे पुलिस वाला कहाँ गायब हो गया। ओह यहाँ पे है। चलो 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 हम इसका पीछे छू जाते हैं। अरे भाई ये क्या, ऐसे में तुमको खा जाएगा। ओ भाई निकल के भाग। अरे यार अरे यार ये क्या कर रहा है। सो गाइस ये तो हमको खाने वाला है ये ज़ॉम्बी सब। सो गाइस यहाँ पे पुलिस सब यहाँ पे है, पर यहाँ पुलिस लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा है ज़ॉम्बी वोम्बी, बस हमी को दौड़ा रहा है एंड हमी को यहाँ पे नोच नोच के खाने जा रहा है। तो चलो गाइस यहाँ पे तो देख लिया कि यहाँ पे ज़ॉम्बी सब यहाँ पे पुलिस वाले लोग को नहीं मार रहा है, इसका मतलब ये मिथ कंफर्म है। तो गाइस अब यहाँ पे ट्राई करते हैं अगला मिथ, एंड ये मिथ है जो अपडेट में न्यू स्प्लेंडर है उसका स्पीडोमीटर काम करता है। सो गाइस यहाँ पे न्यू वाला स्प्लेंडर है उसका स्पीडोमीटर काम करता है यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलो यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे काम करता है ये स्प्लेंडर का यहाँ पे स्पीडोमीटर। सो गाइस यहाँ पे हम ले लाते हैं यहाँ पे न्यू स्प्लेंडर को 6021। चलो यहाँ पे पासवर्ड, एंड गाइस अब यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, एंड चलो अब देखते हैं गाइस इसका स्पीडोमीटर काम करता है या नहीं। एंड यहाँ तो अभी ओ भाई, मतलब गाइस इसका स्पीडोमीटर काम कर रहा है पूरा, यहाँ पे डाउन से लेकर जीरो से लेकर यहाँ पे पूरा एकदम बढ़ता है पूरा। ओ भाई यहाँ पे, एंड यहाँ पे फ्यूल एंड यहाँ पे न्यूटन का भी दिखा रहा है, एंड यहाँ पे न्यूटन है पर यहाँ पे स्पीडोमीटर यहाँ पे काम कर रहा है पूरा है, सही से देख सकते हो कम ज्यादा यहाँ पे होता है। जैसे हम यहाँ पे बाइक को रोक दिया ना डायरेक्ट की कम हो गया, एंड यहाँ पे जैसे इसको स्पीड में बढ़ा दी ये बढ़ चुका है। तो ये मिथ कंफर्म है। तो अब हमारा अगला मिथ है सुप्रा का बैक बोनट टूट जाता है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रैम के सबसे ऊपर में, एंड यहाँ पे हम सुप्रा को ले लाते हैं। एंड गाइस यहाँ से जंप कराने के बाद ना अच्छा अच्छा गाड़ी सब भी टूट जाता है। तो चलो हम इसको जंप करा के यहाँ पे देख लेते हैं इस गाड़ी का क्या क्या टूटता है। तो चलो हम यहाँ से डायरेक्ट जंप करा देते हैं नीचे। ओ भाई देखते हैं इस गाड़ी का क्या हाल होता है। ओ भाई जंप तो यहाँ पे पूरा हार्ड वाला हो चुका है। अरे भाई पूरा स्लो मोशन में, एंड देखते हैं इसका क्या क्या टूटता है। ओ भाई अरे यार बहुत भयानक वाला यहाँ पे टूट चुका है। एंड गाइस यार देख सकते हो यहाँ पे आगे का
पोर्शन एंड यहाँ पे पीछे का पोर्शन भी पूरा टूट चुका है। तो गाइस यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इस गाड़ी का टूटा है। तो एक और हम सुप्रा मंगा लेते हैं एंड उसके बाद चेक हो जाएगा कि इस गाड़ी का क्या क्या टूटा है। 2244। तो चलो गाइस यहाँ पे नया गाड़ी तो आ चुका है एंड अब देखते हैं यहाँ पे इस गाड़ी का क्या क्या टूटा है। एंड यहाँ पे ये डिक्की है ना, तो यहाँ पे डिक्की पूरा टूट चुका है, पीछे का बैक बोनट इसी को बोलते हैं शायद से लगता है। और यहाँ पे नीचे उचे कुछ टूटा उठा है क्या? एंड ओ भाई यहाँ पे नीचे का, चलो नीचे का सामान बचा हुआ है, बस यहाँ पे ऊपर का टूट गया है डिक्की की पीछे का बैक बोनट सब जिसको बोलता होगा वही। एंड ये आगे का टूट गया है पूरा, यहाँ पे बहुत खराब बोला। एंड इसका मतलब गाइस ये मिथ कंफर्म है, यहाँ पे पूरा टूट चुका है पीछे का एंड पीछे का डिक्की की। एंड गाइस अब आता है हमारा अगला मिथ एंड इसमें करना ये है कि एडजस्ट टूल में जाके लिखो जेट तो आसमान में जेट उड़ेंगे। चलो हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, एडजस्ट टूल में जेट JET एंड आसमान में यहाँ पे जेट उड़ेंगे या नहीं देख लेते हैं। एंटर। ओ भाई आवाज तो आ रहा है यहाँ पे। एंड गाइस यार कहाँ पे दिख नहीं रहा है, बस छिप उप तो नहीं जा रहा है। चलो हम यहाँ पे फिर से ट्राई करके देखते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं जेट JET जेट। अरे भाई आवाज तो आ रहा है ना पर हमको दिख भी नहीं कर रहा है जेट। ओ भाई दिखा 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 वहां पे दिखा था। ओ भाई अभी दिखा जेट, रुको हम यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं। एंड गाइस ये रहा जेट, हमको तो शुरू में लग रहा था कि यहाँ पे जेट उट आता ही नहीं है पर यहाँ पे हमको दिख गया जेट जो कि यहाँ पे था वो रहा जेट। शुरू में हमको लग रहा था जेट नहीं आ रहा है पर गाइस यहाँ पे आना शुरू हो चुका है जेट। तो चलो ओ भाई बम भी फोड़ रहा है क्या। तो चलो जेट को हम सामने से देखने के लिए ना यहाँ पे एरोप्लेन ले लेते हैं छोटा वाला एंड उसके बाद यहाँ पे चलते हैं जेट उट को देखने के लिए। इतना स्पीड चलता है ना कि यहाँ पे दिख भी नहीं करता है वो रहा जेट। चलो इसके लिए हम भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर सब ले लाते हैं उसके बाद चलते हैं जेट को देखने के लिए ऊपर से ही। अब चलो यहाँ पे चलते हैं ऊपर। ओ भाई तो चलो अब ना यहाँ से ऊपर से ही देखना है जेट को। और यहाँ पे अपना मोबाइल वोबाइल तो नहीं खुल रहा है। ओ भाई कुछ ज्यादा स्पीड में उड़ता है ना इधर उधर इसीलिए भाग जाता है डायरेक्ट। एंड ये रहा जेट। ओ भाई तो चलो हम यहाँ पे सामने उमने भी आ गए इसको देखने के लिए जेट को। एंड गाइस इसका मतलब ये मिथ कंफर्म है एंड यहाँ पे जेट तो अपने साइड में आ रहा है। ओ भाई तो चलो गाइस अब हम यहाँ से उतरते हैं नीचे। एंड चलो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। एंड चलो गाइस अगर आप लोग को भी कोई मस्त वाला मिथ पता है तो कमेंट में बता देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।